देखो आर्टिकल 34 हमने कल किया था, मार्शल लॉ और फंडामेंटल राइट। आज वैसे हम इन आर्टिकल के बिल्कुल एंड पर हैं, आर्टिकल 35 के बाद फंडामेंटल राइट खत्म हो जाते हैं, लेकिन इसके अलावा हमें कुछ आर्टिकल करने हैं, जैसे कि हमें राइट टू प्रॉपर्टी जो अब एक लीगल राइट बन गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया है, आर्टिकल 31 खत्म होकर के 300A में है इसके प्रोविजन। ठीक है, तो 300A के जो प्रोविजन है राइट टू प्रॉपर्टी वाला आर्टिकल 31, इसको हम 300A के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, और इसके अलावा 31A, 31B, 31C ये कुछ इसके सबऑर्डिनेट है, तो ये भी इसके साथ पढ़ेंगे। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है आर्टिकल 35 इफेक्टिंग सर्टेन फंडामेंटल राइट। तो आर्टिकल 35 किसके बारे में बात करता है, कल हमने पढ़ा था 34, 34 मार्शल लॉ और फंडामेंटल राइट बताया था इसने कि भाई अगर ये ऑपरेशन में रहेंगे तो क्या क्या चेंज हो सकते हैं। सेम ऐसे सर्टेन फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको इफेक्ट करेगा कौन करेगा, अगर कोई पावर दी गई है तो बेटा सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है। जैसे कि अगर पार्लियामेंट को कोई लॉ बनाना है किसी भी फंडामेंटल राइट को इफेक्ट देने के लिए, उसको इन्फोर्स करवाने के लिए, तो वो जो पावर है वो सिर्फ पार्लियामेंट के हाथ में है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर के। ठीक है, स्टेट उस पे लॉ नहीं बना सकता। ठीक है, उसमें मैं पूरा तुमको बताऊंगी कि कैसे करना है। तो आर्टिकल 35 क्या करता है, इट लेज डाउन दैट पावर टू मेक लॉज टू गिव इफेक्ट सर्टेन फंडामेंटल राइट इज विद पार्लियामेंट। ठीक है, एंड नॉट विद स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेचर इस पे कोई लॉ नहीं बना सकता है फंडामेंटल राइट्स के रिगार्ड में, अपने राज्य में ना किसी और राज्य में। ठीक है, सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो आर्टिकल 35 के तहत किसी भी आर्टिकल को, किसी भी प्रोविजन को इफेक्ट देने के लिए क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है। क्यों करते हैं हम ऐसा, स्टेट को पावर क्यों नहीं दी है हमने, क्योंकि बेटा कंट्री में यूनिफॉर्मिटी रहे। अब ऐसा ना रहे, देखो ये तो अपना डिस्क्रिप्शन है कि बिहार में शराब बैन है लेकिन यूपी में नहीं है, ये फंडामेंटल राइट से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, ये तो डिस्क्रिप्शन है, कोई पिए या ना पिए वो डिस्क्रिप्शन है, बट हाँ किसी स्टेट ने लॉ बना लिया अपने यहाँ पे तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बेटा फंडामेंटल राइट और यूनिफॉर्म रहने चाहिए पूरी कंट्री में, सब समान रहे, इसलिए किसी ऐसा ना हो कि हमारे स्टेट में आर्टिकल 32 लागू है लेकिन मध्य प्रदेश में लागू नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। पूरी कंट्री में वो यूनिफॉर्म रहना चाहिए लॉ, तो एंश्योर यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द कंट्री, पूरी कंट्री में जो है यूनिफॉर्मिटी रहे, इस वजह से ये जो प्रोविजन है सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है। अब क्या प्रोविजन है बेसिकली, देखो तुमने देखा होगा कि कुछ जॉब्स होती है तो उसमें रेजिडेंस को कहते हैं ना कि रेजिडेंस को प्रिस्क्राइब कर देते हैं कंडीशन के लिए, जैसे कि आपको अगर यूपीपीसीएस के अंदर रिजर्वेशन का बेनिफिट चाहिए तो आप यूपी के ही रेजिडेंस होने चाहिए, पता है। जैसे कि आप अगर यहाँ का फॉर्म भर रहे हैं और हमारे यहाँ पे मतलब कोई पर्सन, जैसे किसी को देख लो कोई ए पर्सन है, ठीक है, और वो ए पर्सन मान लो ओबीसी से बिलोंग करता है, बेटा एससी एसटी तो चारों तरफ ही सही रहेंगे, मतलब सभी स्टेट में बराबर रहते हैं, बट ओबीसी के साथ ज्यादा प्रॉब्लम है। किसी स्टेट में मान लो वो यूपी में ओबीसी में है, ठीक है, और वो मध्य प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश में, तो वो ओबीसी की लिस्ट में है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के हिसाब से, जो उनके पॉपुलेशन के हिसाब से, और मध्य प्रदेश में वो कास्ट ओबीसी में नहीं है। तो अगर वो यूपी में अप्लाई कर रहा है, मान लो वो यूपी पीसीएस के लिए अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ तो उसे ओबीसी के अंदर रिजर्वेशन मिल जाएगा, जो भी उसकी सीट के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन मिलता है वो छूट उसे मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर वो मध्य प्रदेश पीसीएस के लिए कर रहा है ना तो उसे नहीं मिलेगी। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर मैं यूपी से करने लगू तो मुझे ओबीसी में रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन अगर मैं मध्य प्रदेश से कर रही हूँ तो मुझे ओबीसी में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। वहां पे क्या मानी जाएगी, कैसी सीट मानी जाएगी, ये जनरल है ना। तो ये किसने कहा ये बात कही है पार्लियामेंट ने, कि पार्लियामेंट किसी भी एम्प्लॉयमेंट में और अपॉइंटमेंट में
रेजिडेंस को कंडीशन बना सकता है। रेजिडेंस मतलब कि आप वहां के निवासी होने चाहिए, ठीक है। अब रेजिडेंस और डोमेसाइल में डिफरेंस है, यहाँ पे डोमेसाइल है और वहां रेजिडेंस है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि प्रिस्क्राइबिंग रेजिडेंस एज ए कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट, किसी भी एम्प्लॉयमेंट में और अपॉइंटमेंट में क्या कर सकती है पार्लियामेंट, रेजिडेंस को एक कंडीशन बना सकती है कि आप उस पर्टिकुलर जगह के रेजिडेंस होने चाहिए। यानी कि आर्टिकल 16 जो है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इस वाले आर्टिकल में इसको इफेक्ट देने के लिए पार्लियामेंट क्या कर सकती है, रेजिडेंस को एक ऑप्शन बना सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है एम्पावरिंग कोर्ट्स अदर देन एससीज एंड एचसीज टू इश्यू डायरेक्शन। देखो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास तो पावर अपने आप है आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट 226 के तहत हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं, रिट्स इशू कर सकते हैं या ऑर्डर वगैरह दे सकते हैं। लेकिन पार्लियामेंट के पास पावर है कि अगर किसी के राइट का वॉयलेशन हो रहा है और लोअर कोर्ट में वो केस है और लोअर कोर्ट उसके साथ मतलब उसकी सुनवाई वगैरह कर रहा है, तो पार्लियामेंट ऐसा भी कोई लॉ बना सकती है कि जो छोटे कोर्ट है लोअर लेवल के, बेटा लोअर लेवल पे कौन से कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो हायर जुडिशियरी में आते हैं, ये दोनों हायर जुडिशियरी है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। बट लोअर कोर्ट में कौन आ जाते हैं, ये आ जाते हैं हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट कौन से होते हैं, जैसे कि बेटा सबऑर्डिनेट में आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, सेशन कोर्ट हो गए, सेशन कोर्ट में वन और मोर वो आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट हो गए, और उसके साथ साथ बेटा मजिस्ट्रेट की कोर्ट होती है, ठीक है, सीजेएम की कोर्ट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की या जेएम जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इनकी जो कोर्ट होती है ये होती है, ये तुम्हें सेशन कोर्ट में मिलेंगी, ये छोटी छोटी डिवीजन। तो पार्लियामेंट इन लोअर कोर्ट वाले को भी वो कर सकता है एम्पावर और इशू कर सकता है कुछ भी ऑर्डर वगैरह, ताकि ये डायरेक्शन ऑर्डर और रिट्स वगैरह इशू कर सके, ठीक है, ये कोई भी लॉ ऐसा बना सकता है पार्लियामेंट। और एक और इसमें एक 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 और चीज है कि जो आर्म्ड फोर्स में पीपल है, यानी कि पुलिस आर्मी ये सब, तो आर्म्ड फोर्स वाले पर्सन के भी फंडामेंटल राइट को ये कम कर सकता है या दे सकता है, ये भी पार्लियामेंट के पास है। अब कल को देखो योगी आदित्यनाथ ये कहने लगे कि मैं तो पुलिस को पूरी पावर दे रहा हूँ, सारे फंडामेंटल राइट है, तो वो तब तक नहीं कर सकते जब तक मोदी जी से अप्रूवल नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो कौन है, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री क्या है, पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में भी अकेले नरेंद्र मोदी डिसीजन नहीं ले सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा से वो बिल पारित होगा, प्रेसिडेंट का उसको असेंट मिलेगा, उसके बाद ही वो बात आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो सी जो है ये है रेस्ट्रिक्टिंग और एब्रोगेटिंग, रेस्ट्रिक्टिंग और एब्रोगेटिंग फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस बेटा आर्म से हमेशा याद रखना कि आर्म्स का मतलब होता है हु और वो हु वेयर या हु आर कैरिंग वेपन, जो भी वेपन कैरी करते हैं, वो वेपन में भी कौन से वाले वेपन, जो गन वगैरह कैरी करते हैं उनको हम आर्म्ड फोर्सेस कहते हैं, आर्म्ड फोर्सेस जिनको लीगली अलाउड है कैरी करना, जैसे कि पुलिस हो गई, मिलिट्री हो गई। तो सी में लिखा हुआ है क्लॉज सी में 35 के, रेस्ट्रिक्टिंग और अब्रोगेटिंग फंडामेंटल राइट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस के जो फंडामेंटल राइट है, या तो वो रेस्ट्रिक्ट कर सकती है पार्लियामेंट, या उसके एप्लीकेशन को हटा सकती है, ठीक है। अब इसमें आर्म्ड फोर्सेस में कौन कौन आ जाएगा, पुलिस फोर्स एटसेट्रा, पुलिस फोर्स एटसेट्रा। फिर इसमें आ जाता है एक और डी, करा ही लेते हैं जब अभी कोई आया नहीं है, इंडेमनीफाई।
इंडेमनीफाई मैंने पहले भी बताया, इसका मीनिंग पता है? इंडेमनीफाई, इंडेमनीफाइंग एनी गवर्नमेंट सर्वेंट और एनी अदर पर्सन फॉर एनी एक्ट ड्यूरिंग दी ऑपरेशन ऑफ मार्शल लॉ इन एनी एरिया। इंडेमनीफाइंग इसका मतलब है बेटा क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति। इंडेमनीफाइंग एनी गवर्नमेंट, एनी गवर्नमेंट सर्वेंट एनी गवर्नमेंट सर्वेंट उसके साथ साथ और एनी अदर पर्सन एनी अदर पर्सन फॉर एनी एक्ट डन बाय हिम। डन बाय हिम ड्यूरिंग द ऑपरेशन, ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ मार्शल लॉ। ठीक है, इंडेमनीफाइंग एनी गवर्नमेंट सर्वेंट और एनी अदर पर्सन फॉर एनी एक्ट ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ मार्शल लॉ आर्टिकल 34। ये वाला था आर्टिकल 33 और ये है आर्टिकल 34। यानी कि मार्शल लॉ में, मार्शल लॉ जब इम्पोज है और किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट या किसी भी पर्सन के थ्रू कुछ हुआ है तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए भी पार्लियामेंट ही लॉ बनाएगी। ठीक है, ये होता है, इसको कहते हैं, इसको मैं थोड़ा और सिंपल टर्म्स में बता रही हूँ। देखो, इंडेमनीफाइंग का मतलब मैंने बता दिया क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति का मतलब कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है या कोई अदर पर्सन है जिसने मार्शल लॉ के दौरान कुछ किया है, उसके थ्रू कोई क्षति हो गई है, तो उसको वो क्षतिपूर्ति देना, उससे रिलेटेड भी लॉ कौन बनाएगा? ये लॉ बनाने का भी अधिकार बस पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, और उसके साथ साथ देखो, आर्टिकल 34 की बात हो गई, 33 की बात हो गई, अब बात आती है कि क्या पनिशमेंट देने का अधिकार भी सिर्फ पार्लियामेंट के पास है? तो अगर पनिशमेंट की बात आती है तो इसका सेकंड प्रोविजन ये कहता है कि अगर पनिशमेंट की बात आती है, जैसे कि मान लो बेटा अनटचेबिलिटी है आर्टिकल 17 में, तो अनटचेबिलिटी से रिलेटेड, आर्टिकल 17 से रिलेटेड जो पनिशमेंट का लॉ है अनटचेबिलिटी का, तो वो लॉ किसने बनाया है? पार्लियामेंट ने बनाया है। तो ये लॉज भी क्या करेगा? पार्लियामेंट ही बनाएगा, सो दैट के यूनिफॉर्मिटी रहे। नहीं तो ऐसा होगा, अनटचेबल्स तो पूरी कंट्री में है और लॉ सिर्फ बना है एक स्टेट के लिए, तो वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो पार्लियामेंट के पास पावर है पनिशमेंट किसी भी ऑफेंस के लिए, जो भी आर्टिकल्स को, इन आर्टिकल को क्या करता है, वॉयलेट करता है, उनके लिए पनिशमेंट डिटरमाइन करना, तो पार्लियामेंट के पास है ओनली। पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉज रिगार्डिंग पनिशमेंट। ठीक है, पावर्स टू मेक लॉज फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर दोज एक्ट्स पनिशमेंट फॉर दोज एक्ट्स that are declared to be offenses, that are declared to be
ऑफेंसेस, जिनको ऑफेंसेस डिक्लेयर किया गया हो उसके रिगार्ड में जो पनिशमेंट है वो भी पार्लियामेंट ही बनाएगा। ठीक है, अब इसमें मैंने बता दिया तुमको अनटचेबिलिटी और कौन से पनिशमेंट वाले लॉज है फंडामेंटल राइट में, चाइल्ड लेबर वाला पनिशमेंट है और एक और है ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स की तस्करी करना, वो भी पनिशमेंट है। वो कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 17 हो गया और उसके साथ साथ आर्टिकल 23 ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, ये भी इसी का ही पार्ट है और इसी के अंदर क्या आता है, चाइल्ड लेबर भी आ जाता है इसी आर्टिकल के अंतर्गत। ठीक है, तो ये याद रखना आर्टिकल 35 हमारा हो गया और इसके साथ साथ बस आर्टिकल 17 23 ये ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स का है। ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसका मैं बता ही रही हूँ, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग ये इसलिए है क्योंकि बेटा यही लॉ है जो पार्लियामेंट ने ऑफेंस बनाए हुए हैं और इनपे जो लॉज बनाना है ना वो भी पार्लियामेंट ही बनाएगी, स्टेट नहीं बना सकता। स्टेट यानी कि ये इतने सारे स्टेट है ये नहीं बना सकते हैं, सिर्फ पार्लियामेंट बना सकती है। ठीक है, तो ये हो गया है राइट टू प्रॉपर्टी के बाद ये खत्म हो जाएगा हमारा और हम डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ेंगे नेक्स्ट में। ठीक है, कर लेना।